तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि ये एक बेसिकली देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई वगैरह किए हो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कहते हैं कि द साइंटिस्ट, एक कोई साइंटिस्ट है, ऑब्जर्व ए बैक्टीरिया। भाई साइंटिस्ट है तो बैक्टीरिया ही देखेगा, और क्या देखेगा। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर ए बेटर एनालिसिस टू इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर आपको फार्मूला याद है तो 2n sin θ और अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। थियोरी देखना, उसमें ज़्यादा मैं डिटेल में इसमें बता नहीं रहा हूँ। तो ये जो 2n sin θ है, 2n sin θ, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपेर्चर, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अपेर्चर, ठीक है। और ये जो लाइट जो आ रही है ऑब्जेक्ट से माइक्रोस्कोप में, ये उसकी वेवलेंथ है, ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। और एन यहाँ पर जो एन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को बैक्टीरिया को देख रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बीच का भाई एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो भाई अच्छा खासा टेलीस्कोप उसका होगा। जब रिजॉल्विंग पावर हाई होगा तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज कैसे होगा भाई, इंक्रीजिंग द वेव लेंथ लैम्डा, बिल्कुल गलत बात है। अगर लैम्डा को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर तो डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन, इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट। अगर एन की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करते हो तो रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन सेकेंड वाला बिल्कुल अपना सही है। थर्ड वाला डिक्रीजिंग द, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था।